नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्लानर एंड मेकर के अंदर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 3 BHK बिल्डर फ्लैट, जो कि बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ है, फ्रंट फेसिंग की फ्लैट है, विथ लिफ्ट है, विथ कार पार्किंग है, और सबसे अच्छी बात गाइस जो इसकी लोकेशन है मेन रोड से हार्डली 300 मीटर की दूरी पे है। मेन रोड यानी कि नजरगढ़ रोड से 300 मीटर की दूर है और जो मेट्रो स्टेशन है उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन वो सिर्फ 600 मीटर की दूरी पे है। अभी हम खड़े अपने ओम वेयर फेस 1 की लोकेशन पे, जो कि आपको है 3 BHK बिल्डर फ्लैट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 3 BHK बिल्डर फ्लैट विद रूफ की, जो कि है विद रूफ के साथ। इसमें आपको 3 BHK बिल्डर फ्लैट मिलता है विद रूफ के साथ। तो गाइस, अभी हम खड़े अपने सैंपल फ्लैट में। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा है, मैं इसमें बताऊंगा कि इसका जो ऑन पेपर साइज है वो है 72 स्क्वायर यार्ड यानी कि 72 गज, और जो इसका इंक्लूडिंग बिल्ट अप एरिया हमें मिलता है विद बालकनी वो मिलता है 85 गज। तो गाइस, 85 गज का फ्लैट हो गया जिस पर भी हम खड़े हैं, और 85 गज की होगी छत, यानी कि 37 लाख रुपीज में आपको मिलता है 3 BHK बिल्डर फ्लैट विद रूफ विद टेरेस, यानी कि 170 गज की जगह। तो गाइस, आज हम इसका वॉक थ्रू करेंगे। वॉक थ्रू करने से पहले गाइस, मैं बताता हूँ कि प्रॉपर्टी हमारी फ्री होल्ड है, होम लोन के साथ इजिली अवेलेबल है, रेट टू मूव है, और ये गाइस इस पर आप 85% होम लोन ईजिली अवेल कर सकते हो। विद लिफ्ट है, विद का पार्किंग है, फ्रंट फेसिंग ये फ्लैट है, फ्रंट पे हमारी 20 फुट की रोड है, सीवर लाइन, पानी सब कुछ यहाँ पे रेगुलर है। तो गाइस, चलो इस फ्लैट को वॉक थ्रू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए गाइस, ताकि जो आने वाली अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आने वाली वीडियोज होती हैं वो मैं आप तक शेयर कर सकूं, और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल प्लानर एंड मेकर को, और बेल आइकन का बटन दबाइए सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस, अभी हम खड़े अपने फ्लैट के एंट्रेंस पे। जैसा भी आप देख रहे हो, हमारे कहते हैं एंट्रेंस का पार्ट हो गया। हमारे पीछे 2 BHK है, ये हमारा 3 BHK है सैंपल फ्लैट जिस पर हम खड़े हैं। 2 BHK हमारे सारे सोल्ड हो चुके हैं। तो गाइस, अभी अगर मैं बात करता हूँ सैंपल फ्लैट की एंट्रेंस की, तो जैसे अब अगर हम फ्लैट के अंदर आते हैं हमारा होगा ईस्ट फेसिंग, और जैसे अगर आप बाहर निकलोगे वो होगा हमारा वेस्ट फेसिंग। तो गाइस, अगर मैं बात करता हूँ एंट्रेंस की, तो जिसमें भी आपको जो डोर मिल रहा है बहुत ही अच्छा, और हमने पैटर्न पे इस पर डोर लगा रखा है जिसमें बहुत ही आपको कहते हैं हैवी पैटर्न का एक लॉक मिल रहा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि इसको लकड़ी के गेट में और लोहे का गेट हमने कहते हैं मिक्स करके बना रखा है, जिसमें आपको यहाँ पे भी एक प्रोविजन मिलता है अगर हमारा वो गेट लॉक है तो इवन कैन सी बाहर की कौन है कौन नहीं है, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन का भी पर्पस फुलफिल होता है, प्लस सिक्योरिटी में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो गाइस, ये हमारा क्या कहते हैं सैंपल फ्लैट के एंट्रेंस की डोर, जो भी आपने देखा। तो अगर मैं बात करता हूँ ड्राइंग रूम की, जो बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ है, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया हुआ है हमने इसका ड्राइंग रूम। तो गाइस, अभी हम खड़े अपने सैंपल फ्लैट के ड्राइंग रूम में। अगर मैं बात करता हूँ इसके डायमेंशन की, तो जो इसकी लेंथ मिल रही है वो मिल रही है 14 फुट, और जो इसकी विड्थ मिल रही है वो मिल रही है 9 फुट। 14 फुट बाय 9 फुट का ड्राइंग रूम है, बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस के साथ है, जिसमें आप अपना सोफा हो गया, सेंटर टेबल हो गया, लूज पफिस हो गए, ईजिली आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ टाइल्स की, तो गाइस ये हमारी डिजिटल टाइल्स है, जो कि स्क्रैचलेस है, एंटीस्किट है, और अपना कहते हैं ये कंप्लीट आपको डिजिटल टाइल्स मिलती है, जो कि अंडर वारंटी चीज़ है, मतलब आपको कहीं पर भी ये चीज़ शिकायत नहीं मिलेगी कि टाइल्स हमारी खराब हो चुकी हैं। अगर मैं बात करता हूँ गाइस इसकी, इसमें सोफे प्लेसमेंट की, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे अपना ग्रीन पैटर्न पे कारपेट लगा रखा है, जो उसकी लुक को और ज़्यादा इंप्रेसिव करता है, बहुत ब्यूटीफुली चार चांद लगाता है, जिसमें आप अपना यहाँ पे जब अपना फर्नीचर रखोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको कहते हैं चीज़ नज़र आएगी। सेम उसी के अकॉर्डिंगली गाइस, हमने यहाँ पे भी आपको स्प्लिट एसी वायरिंग फिटिंग कर रखी है, तो अगेन कोई तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपना स्प्लिट एसी लाना है और इंस्टॉल कराना है। सो दिस इज़ द एक्चुअल स्पेस ऑफ द ड्राइंग रूम, जहाँ पे हमारी सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं। सेम यहाँ पे बहुत ही बड़ा हमने टीवी पैनल दे रखा है, जिसमें आप अपना कहते हैं एक बड़ा होम थिएटर हो गया, एक बड़ा टीवी स्क्रीन होगी, वो आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। इवन आप चाहो तो यहाँ पे ग्लास पार्टीशंस की शेल्फ क्रिएट करके आप उसमें भी अपने कोई ना कोई आइटम रख सकते हो। सेम यहाँ पे भी आपको कहते हैं दो स्टोरेज के लिए स्पेस मिल गए, दो कैबिनेट्स हैं जहाँ पे आप अपना कुछ ना कुछ आइटम रख सकते हो, प्लस आपको काउंटर टॉप की शेल्फ मिल गई जिस पे आपका सेटअप बॉक्स हो गया, प्लस आपके रिमोट्स हो गए, वो भी आप इजीली रख सकते हो। तो गाइस, ये हमारा ड्राइंग रूम। अगर मैं बात करता हूँ इसकी ड्राइंग रूम की फॉल सीलिंग की, तो बहुत ही ब्यूटीफुल हमने डिज़ाइन कर रखी है, बहुत ही इंप्रेसिव हमने काम कर रखा है इसके अंदर, जिसमें आपको कंप्लीट वार्म लाइट्स हो गई,
आपको मिल रही है, तो बहुत ही इंप्रेसिव लुक के साथ है गाइस। अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको झूमर लगा हुआ है, प्लस पंखे लगे हुए हैं। तो अगर फॉल सीलिंग के ऊपर का भी देखते हो तो इसमें भी हमने टेक्सचर पैटर्न का इसमें पेंट कर रखा है। तो गाइस ये हमारा है सैंपल फ्लैट। अगर मैं बात करता हूँ ऊपर के फ्लैट की, तो वो भी हमारा रॉ है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अगर उसमें कुछ काम कराना चाहते हो, या फिर अपने वॉलपेपर की स्कीम या पेंट के कलर स्कीम आप लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, उसका कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो गाइज ये था हमारा ड्राइंग रूम, मैं एक बार मोटा मोटा समझाता हूँ। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट बेडरूम, जो कि है कहते हैं बालकनी के साथ विद अलमीरा। ये हमारी किचन होगी बालकनी फेसिंग, जो कि विंडो के साथ है। ये होगी हमारा मास्टर बेडरूम, ये आपका टेस्ट टॉयलेट का मतलब विंडो के साथ है। ये होगी हमारा कॉमन टॉयलेट का बात, और ये हो गया हमारा थर्ड बेडरूम। तो गाइज ये ओवरऑल हमारा इसका 3 BHK का लेआउट है। अगर मैं बात करता हूँ ड्राइंग रूम की, तो गाइज बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल स्पेस जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या मिलती है, वो मिलता है ये, जो कि हमने मल्टीपर्पज़ स्पेस क्रिएट कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना मंदिर का स्पेस क्रिएट कर लो, आप चाहो तो यहाँ पे अपना फ्रिज रख लो। तो जिन फैमिलीज़ का जो कंसर्न है, वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपना स्पेस को यूटिलाइज कर सकती हैं। सेम यहाँ पे हमने ओवरऑल स्टोरेज दे रखी है। अगर आप फ्रिज रखते हो तो भी यहाँ पे पावर का पॉइंट है। अगर आप अपने यहाँ पे मंदिर क्रिएट करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे आपको पावर का पॉइंट मिलता है, जिसमें आपको लाइट का प्रोविजन मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके स्पेस की, तो गाइज इसमें जो आपको स्पेस मिल रहा है, ये एटलीस्ट 3.5 फुट का स्पेस है, जहाँ पे आपका इजीली फ्रिज हो गया या मंदिर का स्पेस हो गया, वो आप इजीली अपने यहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। तो ये है हमारा ड्राइंग रूम का स्पेस। तो अगर मैं बात करता हूँ हमारे फर्स्ट बेडरूम की, तो गाइज ये हो गया हमारा फर्स्ट बेडरूम, जो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है। बहुत ब्यूटीफुल इसमें वॉलपेपर लगा हुआ है, उसी से मैचिंग हमारा कंप्लीट जो ऊपर छत के ऊपर फॉल सीलिंग हो रखी है, उसी से मैचिंग हमारा पेंट मिल रहा है, जो बहुत ही इंप्रेसिव लुक के साथ है। तो गाइज ये हमारा कहते हैं फर्स्ट बेडरूम, जिसके अंदर आपको जो रूम साइज मिलता है, वो मिलता है 10x10.5। 10.5 की इसकी ऐसे लेंथ है और 10 फुट की इसकी विड्थ है, जिसमें आपको प्रॉपर कंफर्टेबल स्पेस है, जहाँ पे आप अपना 6x6 का बेड इजीली प्लेस कर सकते हो विदाउट एनी हैसल। यहाँ पे भी आपके साइड टेबल्स आ जाएंगे, यहाँ पे भी साइड टेबल आ जाएगा। तो ये हमारा कहते हैं कंप्लीट फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम के अंदर अगर आप नोटिस करोगे गाइस, तो यहाँ पे भी हमारा कहते हैं शाफ्ट का प्रोविजन है, जो कि क्रॉस वेंटिलेशन के आपके लिए कंफर्टेबल एक अच्छे स्पेस है, जहाँ पे आपको एक विंडो दी गई है जो कि टिल रूफ हाइट तक ओपन है। सेम यहाँ पे आपको पावर का पॉइंट मिल गया। अगर आप वहाँ पे अपना बेड रखते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको टीवी के लिए, यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए पावर स्विचेस हो गए। तो ये हो गया हमारा कहते हैं फर्स्ट बेडरूम। इवन जो अभी आपने हमारा एंट्रेंस डोर का पैटर्न देखा था गाइस, वुडन एंड वाइट पैटर्न के अंदर, सेम जितने भी फ्लैट के अंदर हमारे दरवाजे जो लगे हुए हैं इंक्लूडिंग बाथरूम के, तो उसमें भी सेम पैटर्न मिल रहा है। कंप्लीट आपको जितने भी बेडरूम्स के आपको हैंडल्स हैं, सब में आपको हैंडल लॉक मिल रहा है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी के साथ है। तो ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम का स्पेस और फर्स्ट बेडरूम जो भी आपने देखा। तो गाइज अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आप बात करते हैं हमारी सीधा किचन की, तो बहुत ही एक लैविश किचन आपको देखने को मिल रही है, जिसमें एल टाइप की प्रॉपर काउंटर स्लैप है, जिसमें आपको कहते हैं कंफर्टेबल स्पेस है, जहाँ पे आपको 2 से 3 बंदे आराम से खड़े होकर आप अपना कहते हैं खाना बना सकते हो। और जिन लेडीज का कंसर्न होता है कि हमें वैसा फ्लैट दिखाओ जिसमें किचन के अंदर भी विंडो हो, एग्जॉस्ट को लेकर कोई दिक्कत ना हो, तो गाइज ये फ्लैट उन लेडीज़ के लिए है, क्योंकि इसमें भी सीधा आपको बालकनी की विंडो मिलती है, जिसमें डायरेक्ट एग्जॉस्ट का पॉइंट वहाँ पे दे रखा है। और यही हमारा जो स्पेस है, यही स्पेस हमारा कहते हैं उसके लिए गैस स्टोव के लिए, जहाँ पे आप अपना कहते हैं जो गैस का पार्ट है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे नीचे गैस सिलेंडर का प्रोविजन हो गया। ये कंप्लीट बोतल रैक्स के लिए आपको कहते हैं ट्रॉली मिल गई, यहाँ पे भी आपका बोतल रैक है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली हमने किचन डिज़ाइन कर रखी है गाइस, जो इसमें हमने कहते हैं कलर स्कीम ले रखी है, ये आपका मैरून और वाइट कॉम्बिनेशन के अंदर हमने ले रखी है, जो इसकी लुक और ज़्यादा इंप्रेसिव करती है। ये आपके पास स्पेस हो गया, जहाँ पे आप अपना कहते हैं आटे का ड्रम और अदर बड़े बर्तन आप इजीली रख सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ ये वाली, ये होगी आपकी चैनल बास्केट, जहाँ पे आपके मसाला बॉक्सेस हो गए या कटलरी आइटम्स होगी, करछी चम्मच वो अदर स्टफ आप यहाँ पे रख सकते हो। सेम ये की ट्रॉली होगी, ये भी एक आटे के ड्रम के पर्पज़ से हमने दी हुई है, क्योंकि ट्रॉली है, जिन लेडीज़ का कंसर्न होता है कि हमें उठाने में रखने में दिक्कत होती है, तो उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी है। प्लस ये एक नीचे की ट्रॉली हो गई बड़े बर्तनों के लिए, एक ही हमारी कहते हैं ट्रॉली होगी, ये होगी प्लेटों के सेक्शंस के लिए, ये प्लेटों के लिए है, जिसमें आपकी प्लेट्स इजीली रखी जा सकती हैं। तो गाइस बहुत ही अच्छे स्पेस के साथ है। तो जितना स्पेस हमारा नीचे यूटिलाइज हो रखा है, उससे ही ज़्यादा स्पेस हमारा ऊपर का है, जो हमने स्टोरेज के लिए रखा है, क्योंकि टिल रूफ हाइट तक हमारे को पूरी की पूरी कैबिनेट मिल रही है, जिसमें आपके पास यहाँ पे भी मल्टीपर्पज़ स्पेस है, यहाँ पे भी आप अपना अदर स्टफ रख सकते हो, जो बर्तन होते हैं या दाल वाले जो बर्तन होते हैं जिनमें आप स्टोरेज करते हो, ये एक स्टोरेज के लिए स्पेस हो गया। प्लस ये एक स्टोरेज के लिए स्पेस हो गया, जैसा आप देख रहे हो, प्लस ये स्टोरेज के लिए स्पेस हो गया, इधर की साइड से दिखाता हूँ, तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ है। तो कंप्लीट आपको कहते हैं पूरी की पूरी टाइल्स मिल रही हैं, जिससे दीवारें आपके मेंटेन रहेंगी, प्लस खाना बनते टाइम जो छोके लगते टाइम जो छींटे उड़ते हैं, उससे भी आपकी दीवारें वॉशेबल है, जिससे आप कपड़ा मार के साफ कर सकते हो। प्लस ये हमारा सिंक का पॉइंट हो गया। सेम यहाँ पे मल्टीपर्पज़ कैबिनेट होगी, जिसमें आप अपना चाहो तो बर्तनों का रैक लगा लो, आप चाहो तो अपना
आरओ लगा लो। इवन अगर आप नोटिस करोगे गाइस तो यहाँ पे भी हमारे पास स्पेस है जहाँ पे हम अपना कहते हैं इजीली माइक्रोवेव हो गया, मिक्सी होगी वो आप इजीली रख सकते हो, जहाँ पे हमारे पास पावर का स्विच है। तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ आपको कहते हैं किचन दी जा रही है, जिसमें यहाँ पे भी एक छोटा सा हमने स्पेस क्रिएट कर रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ अदर आइटम रखना चाहो रख सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा आप फ्रिज भी रख सकते हो, जिनके पास 450 लीटर का फ्रिज है वो भी आप यहाँ पे आ जाएगा थोड़ा सा बाहर की तरफ, तो ये भी एक हमारे पास स्पेस है। तो गैस ये हमारी किचन बहुत ही ब्यूटीफुल, हमने पार्टीशन ये मिरर यहाँ पे लगा रखा है शीशा, जिससे आप लोग जब बर्तन धोती हैं जो लेडीज़, तो पानी वो सीधा बाहर की तरफ नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा कहते हैं किचन का पार्ट। तो गैस ये है हमारा कॉमन टॉयलेट का बात, अगर जो फैमिलीज डाइनिंग रूम में बैठी हैं या किचन के अंदर काम कर रहे हैं उस बेडरूम के साथ, तो ये कॉमन टॉयलेट का बात आपका कनेक्टेड मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छे स्पेस के साथ है, जिसमें आपको कहते हैं सिंक हो, अपना वॉश बेसिन होगी, सीट हो गई बेसिन सीट, गीजर के लिए प्रोविजन हो गया, शॉवर टैप सब कुछ लगे मिल रहे हैं, टिल रूफ हेड तक टाइल्स मिल रही है, और आपको कहते हैं इवन विंडो भी है जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट फैन इजिली लग सकता है। तो ये हमारा है कंप्लीट कॉमन टॉयलेट कम बाथ का स्पेस। तो अगर हम बात करते हैं गाइस, तो ये अब हमारा मास्टर बेडरूम, बहुत ही अच्छे पैटर्न पे हमने डिज़ाइन कर रखा है, बहुत ही कंफर्टेबल रूम साइज हमने इसमें क्रिएट कर रखे हैं, जिसमें आपका 6x6 का बेड ईजिली प्लेस हो सकता है विदाउट एनी हैसल, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है 6.5 फुट का। सबसे अच्छी बात क्या है, जितना स्पेस हमारा कहते हैं यूज होता है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे प्रोविजन दे रखा है, प्लस साइड की हमने पूरी की पूरी अलमीरा क्रिएट कर रखी है जो कि स्टोरेज के पर्पज से बहुत ही बेनिफिशियल है। सेम यहाँ पे आपको ड्रेसिंग टेबल मिल गया, ये आपको पूरे पर स्टोरेज मिल गई, ये लुकिंग मिरर मिल गया जो लगा हुआ लेडीज के लिए, प्लस ये आपके कहते हैं ड्रॉर्स हो गए स्टफ रखने के लिए, तो काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ है। टिल रूफ हेड तक पूरी की पूरी आपको स्टोरेज मिलती है। एक ही हमारे पास स्पेस हो गया जहाँ पे हम अपना कहते हैं कपड़े हो गए या अदर स्टफ हो गए वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो गाइस जैसा हमने वॉलपेपर यहाँ लगा रखा है उसी से मैचिंग हमने ऊपर फॉल सीलिंग के ऊपर पेंट कर रखा है, बहुत ही इंप्रेसिव इसमें काम कर रखा है हमने, बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिज़ाइंड है जो कि हमारा मास्टर बेडरूम को और ज़्यादा ब्यूटीफुल करता है। मास्टर बेडरूम के अंदर आपको विंडो मिल जाती है जहाँ पे आपका विंडो एसी लग जाएगा, उसके लिए यहाँ पे 32 एम्पीयर की स्विच है, ये बालकनी में ओपन है। ये हमारा हो गया अटैच्ड टॉयलेट का बाथ, जो कि एक अच्छे कंफर्टेबल स्पेस के साथ है, जिसमें वॉश बेसिन होगी, सीट होगी, शॉवर हो गया, सब कुछ आपको कंप्लीट मिल रहा है, टिल रूफ हाइट तक टाइल्स मिल रही हैं, आपको इवन वहाँ पे विंडो भी मिल रही है जिसमें आपका अपना एग्जॉस्ट फैन इजीली लगा सकते हो। तो गाइज ये हमारा अटैच टॉयलेट का बाथ जो कि एक अच्छे स्पेस के साथ है। तो 85 गज में 3BHK जो हमने डिज़ाइन कर रखा है गाइज, बहुत ही कंफर्टेबल रूम साइज के साथ हमने डिज़ाइन कर रखा है, जिसमें अपना घर का जो फर्नीचर है वो ईजिली इंस्टॉल हो सकता है विदाउट एनी हैसल। तो जो अभी आपने देखा ड्राइंग रूम का पार्ट, फर्स्ट बेडरूम, कॉमन टॉयलेट, मास्टर बेडरूम और किचन, आप सीधा मूव करते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ जो कि है बालकनी से कनेक्टेड। तो गाइस इसके अंदर भी जो आपको रूम साइज है आपका थर्ड बेडरूम के अंदर 10x10 का रूम साइज है, 10 फुट की विड्थ है, 10 फुट की इसकी लेंथ है, कंफर्टेबल रूम साइज है, जिसमें 6x6 का बेड आराम से इंस्टॉल होता है, प्लस दो साइड टेबल्स रखे जा सकते हैं। इवन इस रूम के अंदर भी आपको अलमीरा मिल रही है हमारे एंड से, जो कि सनमाइका के साथ पूरा डिजाइन वर्क हमने क्रिएट कर रखा है, एक अच्छे स्पेस के साथ है। यहाँ पे भी आपको हैंगर रोड होगी, चैनल ड्रॉर हो गए, प्लस नीचे भी शेल्फ लग जाएंगी जो कि पार्टीशंस क्रिएट कर देती हैं, प्लस ऊपर भी आपको स्टोरेज के लिए स्पेस मिल रहा है। तो गाइस प्रॉपर 3BHK है, जिसमें दो वार्डरोब मिल रही है, एक वार्डरोब में आपको ड्रेसिंग प्लस अदर वार्डरोब हो गया, एक आपको नॉर्मल कॉमन वार्डरोब मिल रही है। ये हो गया हमारा थर्ड बेडरूम। तो थर्ड बेडरूम के अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे बहुत ही ब्यूटीफुल हमने वॉलपेपर लगा रखा है, सेम इसमें भी ब्यूटीफुल हमने फॉल सीलिंग डिजाइन कर रखी है और सेम वॉलपेपर से हमने पेंट मैचिंग कर रखा है, तो जो कि बहुत इंप्रेसिव लुक के साथ है। तो गाइज ये हो गया हमारा थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम में जैसा विंडो मिली हुई है जिसमें आप अपना एसी इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम सीधा मूव करते हैं अपनी बालकनी की तरफ जो कि है फ्रंट रोड की तरफ। तो गाइज अभी हम खड़े अपनी बालकनी में, ये हमारी बालकनी का प्रोविजन हो गया, जिसमें आपको जो लेंथ मिल रही है आपको एटलीस्ट 12.5 फुट की आपको कहते हैं इसकी लेंथ मिल रही है, 3 फुट की इसकी विड्थ है, यहाँ पे हमारे पास 4 फुट की विड्थ मिलती है वॉशिंग मशीन के लिए, यहाँ पे टैप का प्रोविजन हो गया, टिल रूफ हाइट तक पूरी टाइल्स होगी जिससे आपकी दीवारें पूरी मेंटेन रहेंगी, कोई सीलन का सीपेज का कोई इशू नहीं है, कंप्लीट स्टेनलेस स्टील की रेलिंग हो गई। अगर आप नोटिस करोगे तो फ्रंट हमारी रोड है जो कि RCC रोड है, कंप्लीट यहाँ पे सीवलन डले हुए हैं, 20 फुट की रोड है हमारी, नाली सारी कवर्ड है, पीने का जो पानी है वो सुबह शाम आता है। तो गाइस ये हो गया हमारा बालकनी का प्रोविजन जैसा भी आपने देखा। तो ये था हमारा 3BHK बिल्डर फ्लैट, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो गाइस अब हम सीधा मूव करते हैं इसकी छत पे, जो इसका है सबसे बड़ा एक्स फैक्टर या USP, क्योंकि 3BHK बिल्डर फ्लैट आपको मिल रहा है विद रूफ के साथ। तो ये था हमारा सैम्पल फ्लैट, अब सीधा मूव करते हैं छत पे। तो चलो अब इसका मैं छत का पार्ट दिखाता हूँ।
तो गाइस अभी हम खड़े अपने फ्लैट की टेरेस पे। तो जैसा मैंने अभी आपको नीचे का 3 BHK का बिल्डर फ्लैट दिखाया, ये हो गया हमारा टेरेस जो कि विद रूफ आपको मिलता है। बहुत ही कंफर्टेबल आपको रूफ स्पेस के साथ मिल रहा है। सबसे अच्छी बात अगर आप नोटिस करोगे गाइस, कंप्लीट आपको रूफ मिल रही है जिसमें आपको कहीं पर भी कोई हैसल नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आपकी जो टैंकियाँ हैं वो भी सेपरेट हमने रखी हुई हैं, 750 लीटर की टैंकियाँ मिलती हैं ट्रिपल लेयर की जो अंडर वारंटी है। प्लस टॉप फ्लोर की जो टैंकियाँ हमने रखी हुई है वो हमने ऊपर रखी हुई है जिससे पानी का जो फ्लो है वो पूरा का पूरा आपको मिले। तो गैस योगी हमारी छत 85 गज का फ्लोर बताया था मैंने आपको, 85 गज की हमारी छत है बिल्टअप एरिया के साथ जिसमें आपको एक अच्छा खासा स्पेस मिलता है। गैस छत लेने का बेनिफिट ये है कि आप ऑन पेपर इसके लीगल ओनर होते हो, जिसपे आप अपना स्टोर हो गया, गार्डन हो गया, टीन टपर वाला कमरा हो गया, एक्स्ट्रा टॉयलेट हो गया, बच्चों के लिए प्ले रूम हो गया, या फिर आपका ओपन जिम हो गया, वो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, पेट हाउस हो गया। सो दिस इज़ द लीगल राइट जहाँ पे आप छत के ऊपर कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हो। तो जो फैमिलीज विद रूफ के लिए कंसर्न है तो गाइस ये आप लोगों के लिए फ्लैट है। तो जल्दी से आओ, इस फ्लैट को बुक करो। तो अगर मैं बात करता हूँ इसके बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट ये है कि इवन हमारा आगे बालकनी का एक्सटेंडेड एरिया हो गया, तो जो फैमिलीज़ या जो लेडीज़ या बच्चे हाइट को लेकर कंसर्न होते हैं, फोबिया होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज़ है जिससे आप डायरेक्ट नीचे रोड पे ओपन नहीं है। यहाँ पे आपका दूसरा बेनिफिट ये कि यहाँ पे आप अपनी गार्डनिंग कर सकते हो, आप अपने गमले रख सकते हो। दूसरा यहाँ पे अपना डिश एंटीना लगा सकते हो या फिर स्प्लिट एसी की आउटर यूनिट लगा सकते हो। अगर छत के ऊपर कवरेज की बात करता हूँ तो काइंड ऑफ ऐसा स्ट्रक्चर हो गया टेम्प्रेरी बेसिस पे ही आप क्रिएट कर सकते हो जिससे छत आपकी पूरी कवर हो जाती है। एक वो स्ट्रक्चर हो गया सामने छत पे जो कर रखा है शेड वाला आयरन फ्रेमिंग करके। तो गाइस ये पूरी की पूरी लोकेलिटी बहुत अच्छी है, आसपास पूरा इलाका बसा हुआ है, कंप्लीट आपको बिल्डर फ्लोर्स मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 3 BHK बिल्डर फ्लैट। तो आई होप आपको हमारा 3 BHK बिल्डर फ्लैट की वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना ना भूलेगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलेगा ताकि जो भी आने वाली अपकमिंग वीडियोस होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच, दिस इज़ पुनीत गुप्ता। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ।